नमस्कार विद्यार्थियों, डीएलएड के पाठ्यक्रम 509 सामाजिक उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन अधिगम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रुचि भार्गव, सहायक प्राध्यापक खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर। आज का हमारा प्रकरण है अर्थ, इतिहास, अर्थ, संप्रत्यय और प्रकृति। इस प्रकरण के उद्देश्य हैं इतिहास विषय का परिचय देना, इतिहास विषय का इतिहास को समझना, इतिहास विज्ञान है या कला इसके बारे में समझना, इतिहास विषय की प्रकृति का अवलोकन करना और इतिहास विषय के क्षेत्र के बारे में जानना। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में इतिहास विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव स्वभाव से ही एक चिंतनशील प्राणी है और उसके हृदय में जिज्ञासा सदैव विद्यमान रहती है। यही जिज्ञासा एवं जागृति उसे अतीत के अध्ययन एवं जानकारी हेतु प्रेरित करती है। हम सभी एक चिंतनशील प्राणी हैं। हम सभी अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारा इतिहास क्या था, हम कैसे आगे बढ़े, हमारे आगे बढ़ने का क्या तरीका था और किस तरह से हमने आज तक इतनी उन्नति की है। यही जो विचारधारा है, यही जो हमारी सोच है, ये हमें इतिहास लेखन की तरफ आगे बढ़ाती है। सामान्यतः इतिहासकार समसामयिक समाज की रुचि और आवश्यकतानुसार अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा करता है। इतिहासकार जब भी इतिहास लिखता है तो समाज की जो जितनी भी घटनाएं अतीत में घटी हैं उन सब का अपनी रुचि के अनुसार और समाज की और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार उनका लेखा जोखा करने की कोशिश करता है। अतः इतिहासकार का उद्देश्य अतीत का अवलोकन करते हुए वर्तमान को प्रकाशित करना और भविष्य के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना है। इतिहासकार के इतिहास लिखने का उद्देश्य वर्तमान को प्रकाशित करना, अर्थात अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान में जितनी भी प्रकृति या परिस्थितियां हैं उन सभी को दिशा निर्देश प्रदान करना है। अब हम इतिहास शब्द का अर्थ समझेंगे कि इतिहास शब्द का क्या अर्थ है। इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचना और सत्य को प्रोत्साहित करने के लिए जाँच की रूपरेखा तैयार करना। हिस्टोरिया एक ग्रीक भाषा से लिया गया है और हिस्टोरिया का अर्थ है सूचना, क्योंकि इतिहास में हम बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उन सूचनाओं को सत्य की कसौटी पर कसते हैं। अतः हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, सत्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक जांच की रूपरेखा तैयार करती है। मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। मानव की जितनी भी विशिष्ट घटनाएँ हैं, चाहे वह सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं या आर्थिक, उन सभी घटनाओं को जब हम दोहराते हैं, जब हम लिखते हैं या हम पढ़ते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास प्राचीनता से नवीनता की ओर जाने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन करती है। अर्थात इतिहास में हम प्राचीन काल की सारी बातों को, सारी घटनाओं को, घटना चक्र को नवीनता की ओर लेके आते हैं। अपने पुरातन काल से बढ़ते हुए अपने भविष्य काल तक का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। इतिहास की घटनाओं को ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सिर्फ कहानियों पर या किदवंतियों पर आधारित नहीं हैं, वो ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित हैं। इन्हीं ऐतिहासिक साक्ष्यों को तर्क की कसौटी पर, तथ्य की कसौटी पर कसके हम इतिहास का वर्णन करते हैं। अब हम इतिहास की कुछ परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख इतिहासकारों ने इतिहास को कैसे परिभाषित किया है। प्रमुख इतिहासकार रैप्सन ने अपने इतिहास को जब वर्णित किया तो उन्होंने कहा कि घटनाओं अथवा विचारों का उन्नति से संबंध विवरण ही इतिहास है। अर्थात वर्तमान को समझने के लिए हम इतिहास की घटनाओं और विचारों को समझते हैं और उनका आज के विचारों के साथ क्रमबद्धीकरण करते हैं, इसी को हम इतिहास कहते हैं। एक अन्य इतिहासकार E.H. कार ने इतिहास को परिभाषित किया है कि वास्तव में इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया और वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। E.H. कार ने इतिहास को एक वैज्ञानिक रूप में दृष्टिकोण में लाने की कोशिश करी है कि इतिहास में हम ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ही तथ्यों के साथ उनका विचार विमर्श करके और अंतर क्रिया करके उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इन सभी परिभाषाओं और को देखा जाए और विश्लेषण किया जाए तो इतिहास विषय की ये सभी विशिष्टताएं परिलक्षित होती हैं कि इतिहास मानव के भूतकाल का विश्लेषण एवं व्याख्या करता है,
इतिहास विषय मानव के भूतकाल का, भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का और उसने किस तरह से उन्नति करी, इनका विश्लेषण करता है और उसका ऐतिहासिक रूप में व्याख्या करता है। इतिहास भूतकाल से वर्तमान में हुए परिवर्तनों का लेखा जोखा रखता है, मतलब इतिहास में, ऐतिहासिक काल में मानव ने किस तरह से उन्नति करी, किस तरह से परिवर्तन किए, उसके सामाजिक लेखा जोखा, सामाजिक उसके संवाद, सामाजिक स्थितियाँ, उनमें जो भी परिवर्तन हुए उन सभी का लेखा जोखा इतिहास रखता है। इतिहासकार इतिहास निर्मित करते समय सभी प्रकार के प्रमाण, जिसमें लिखित, मौखिक, साहित्यिक इत्यादि का उपयोग करता है। इतिहास को जब लिखा जाता है या इतिहास जब रचित किया जाता है, तब उसके लिए हम बहुत सारे प्रमाणों को इकट्ठा करते हैं। उनमें प्रमाण कई तरह से हो सकते हैं, जैसे वो लिखित रूप में हो सकते हैं, मौखिक रूप में हो सकते हैं या फिर साहित्यिक रूप में हो सकते हैं। तो इतिहासकार इतिहास को लिखते समय इन सभी स्रोतों का प्रयोग करता है। इतिहासकाल भूत और वर्तमान को समझने का साधन है। इतिहास को पढ़ के ही हम अपने आज के वर्तमान को समझ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की समस्याओं का, वर्तमान की परिस्थितियों का कहीं ना कहीं कोई इतिहास छुपा होता है और उस इतिहास को समझने के लिए हमें उसके भूतकाल की तरफ जाना होता है। इतिहास को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये विद्यार्थी की शिक्षा और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों को हम उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुत सारे विषय पढ़ाते हैं, उन विषयों में इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिससे उसकी सामाजिक मूल्य और उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों, इतिहास का अर्थ और इतिहास का शब्द की उत्पत्ति को समझने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे इतिहास विषय का इतिहास, अर्थात इतिहास का कैसे जन्म हुआ, इतिहास विषय का कैसे उन्नति हुई और आज जिस रूप में इतिहास हमें दिखाई देता है उस इतिहास की इतिहास क्या है। इतिहास की उत्पत्ति मनुष्य के जन्म के साथ ही मानी जाती है। मनुष्य ने जब कहानियों को छोड़कर तथ्यात्मक वर्णनों में दिलचस्पी लेने लगा, तभी से इतिहास का लेखन माना जाता है। इतिहास की उत्पत्ति चूंकि मनुष्य के जन्म के साथ, जैसे ही प्रथम मनुष्य ने जन्म लिया तभी से हम इतिहास की उत्पत्ति मानते हैं। चूंकि पहले इतिहास कहानियों के रूप में लिखा जाता था, लेकिन कहानियों के बाद जब वो तथ्यात्मक रूप में आगे बढ़ने लगा तभी से इतिहास का क्रमबद्ध लेखन हम मानते हैं। इतिहासकार हेरोडोटस को पश्चिमी परंपरा के भीतर इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास विषय को सबसे पहले जिसने लिखा, जिसने समझा, उसमें हम हेरोडोटस का नाम प्रमुखता से लाते हैं। हेरोडोटस एक ग्रीक इतिहासकार थे और उन्होंने अपनी पुस्तक पर्शियन वॉर के साथ इतिहास का लेखन प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी पर्शियन वॉर, इसमें उन्होंने जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया और मौखिक तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन किया। हेरोडोटस ने पर्शियन वॉर जब पुस्तक लिखी तब उसने ग्रीस की यात्रा करी और ग्रीस की यात्रा करके जहाँ पर ये वॉर हुई थी, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, वहाँ के लोगों के साथ बात करके उनके तथ्यों के आधार पर उसने इतिहास लेखन को प्रारंभ किया। इसके बाद जो अन्य इतिहासकार हैं उनका नाम है थ्यूसीडाइड्स। थ्यूसीडाइड्स ने इतिहास को विज्ञान बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी। ये पुस्तक उन्होंने 431 से 404 ईसा पूर्व के बीच में लिखी। थ्यूसीडाइड्स ने न केवल विश्वसनीय तत्वों पर आधारित इतिहास निर्माण किया बल्कि कार्य कारण संबंधों का भी विश्लेषण किया। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास का लेखन प्रारंभ किया, लेकिन उन्होंने कार्य कारण संबंधों पर जोर नहीं दिया। जैसी घटनाएं घटी थी उन्होंने उसी का लिखित लेखा जोखा हमारे सामने वर्णित किया, लेकिन थ्यूसीडाइड्स ने इतिहास को विज्ञान बनाने की दिशा में कदम उठाया और विज्ञान विषयों में हम जैसे कार्य कारण संबंधों की स्थापना करते हैं, उसी तरह से थ्यूसीडाइड्स ने भी इतिहास लिखते समय कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण किया, अर्थात जो युद्ध हुआ उस युद्ध के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले, इन सभी का वर्णन थ्यूसीडाइड्स ने अपनी पुस्तक पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास में किया। इतिहास विषय अब आगे बढ़ता है और 17वीं शताब्दी तक आते आते इतिहास लेखन में व्यवस्थित अध्ययन, ऐतिहासिक प्राधिकारियों की जांच और गैर साहित्यिक स्रोतों जैसे शिलालेख, सिक्कों आदि के आधार पर इतिहास निर्माण किया जाने लगा। चूंकि थ्यूसीडाइड्स
और हेरोडोटस ने इतिहास को विज्ञान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन इतिहास को विज्ञान बनाने के लिए 17वीं शताब्दी तक इतिहासकारों ने बहुत ही कार्य किया और उन्होंने जितने भी घटनाएं थी उनका बहुत सारी जांच और बहुत सारे गैर साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का निर्माण किया। इसी के बाद इतिहास का एक ऐसा समय शुरू हुआ जिसमें इतिहास को विज्ञान माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी में एक जर्मन शिक्षक लियोपोल्ड वॉन रंके, जिन्हें आधुनिक इतिहास का हम कोलंबस भी कहते हैं, उन्होंने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक विधि को उपयोग करने का सुझाव दिया। इस अवधि में इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना था। 19वीं शताब्दी तक इतिहास विषय को विज्ञान बनाने की दिशा में रंके ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अब उन्होंने इतिहास को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना प्रारंभ किया, अर्थात जो घटनाएं पहले घटी हैं उनको पहले लिखा गया और उसके बाद उनसे सहसंबंध वाली घटनाओं को लिखा जाने लगा। अर्थात उन्होंने इतिहास विषय को एक विज्ञान विषय का रूप देने के लिए कालानुक्रमिक क्रम में उनको लिखना प्रारंभ किया। 20वीं सदी के इतिहास के लेखन का उद्देश्य संकुचित राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, क्षेत्रीयता आदि की भावनाओं को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना को सार्वभौम स्वरूप प्रदान करना था। देखिए, जब इतिहास विषय लिखा जाने लगा तब उसका उद्देश्य था राजाओं और रानियों की कहानियों को लिखना, उनके युद्धों को लिखना, उनके इतिहास को लिखना। लेकिन 5वीं सदी से 20वीं सदी तक आते आते इतिहास की प्रकृति में जो परिवर्तन आया वो ये था कि अब इतिहास का उद्देश्य बहुत ही विशाल हो गया। उसने लोगों की भावनाओं, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, संस्कृति आदि के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया और यहीं से इतिहास विषय और भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। विद्यार्थियों, इतिहास विषय के इतिहास को पढ़ने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास विषय की प्रकृति क्या है। जब भी हम किसी विषय की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि इतिहास विज्ञान है या कला। जब भी हम कोई भी विषय की प्रकृति पढ़ते हैं उसमें एक प्रश्न हमेशा उठता है कि ये विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की श्रेणी में। तो हम इतिहास को भी, इतिहास विषय की प्रकृति को भी इन्हीं कसौटियों पर कसेंगे कि इतिहास विज्ञान है या कला की श्रेणी में आता है। इतिहास की प्रकृति में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो यही प्रश्न है कि वो कला है या विज्ञान। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास विज्ञान है। अगर हम इतिहास को विज्ञान माने तो इतिहास में ऐसी कौन सी विशिष्टताएं हैं जो इसे विज्ञान बनाती हैं? क्योंकि विज्ञान की श्रेणी में हम उन विषयों को रखते हैं जिनमें निम्न ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं। हम एक एक विशिष्टता का अध्ययन करेंगे और उसे इतिहास के साथ जांच करने की कोशिश करेंगे कि क्या इतिहास विषय में ये सभी विशिष्टताएं पाई जाती हैं या नहीं। पहली जो विशिष्टता है जो किसी भी विज्ञान विषय में होनी चाहिए वो है सत्यापन। जब हम किसी घटना को सत्यापित कर सकते हैं किन्हीं तथ्यों के आधार पर, तो हम उस घटना को या हम उस विषय को विज्ञान मानते हैं। इतिहास विषय में हम कई घटनाओं का सत्यापन कर सकते हैं क्योंकि सत्यापन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इतिहास को अगर हम सत्यापन की दृष्टि से देखें तो इतिहास की घटनाओं को हम सत्यापित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है वर्गीकरण। विज्ञान के विषयों को हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी तरह से हम इतिहास विषय को भी विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अभी आगे जब हम इतिहास का क्षेत्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इतिहास सिर्फ मानव की एक पृष्ठभूमि का इतिहास नहीं है, एक पृष्ठभूमि का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। इसलिए हम इतिहास को वर्गीकृत रूप में पढ़ सकते हैं। तीसरी विशेषता है पूर्वानुमान। विज्ञान के विषयों में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्या हम इतिहास के विषय में भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 50-50% आधा आधा परसेंट हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान हम इस तरह लगा सकते हैं कि इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको पढ़ के और उसके बाद क्या हुआ उसके अनुसार आज हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां जो पहले की थी वो आज की नहीं हो सकती, इसलिए वो पूर्वानुमान हमारा गलत भी हो सकता है। तो पहले की घटनाओं को हम पढ़ के समझ के पूर्वानुमान तो लगा सकते हैं लेकिन उसकी सत्यता को हम कसौटी पर नहीं कस सकते।
अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि जब इतिहासकार इतिहास लिखता है तो क्या वो स्वयं के विचारों को, स्वयं की भावनाओं को इतिहास के अंदर लिख सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी इतिहासकार के स्वयं के विचार भी इतिहास बन जाते हैं, इसलिए हम वस्तुनिष्ठता के आधार पर आंशिक रूप से इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। अगली विशेषता है परिकल्पना निर्माण। विज्ञान विषयों में हम परिकल्पना निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इतिहास विषय में हम परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकते। अगली जो विशेषता है वो है सिद्धांत का निर्माण। विज्ञान विषयों में हम प्रयोग के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, इतिहास में भी हम आंशिक रूप से सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम इतिहास पढ़ के ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो राजा लोक कल्याण के लिए कार्य करता है वो बहुत ही प्रबुद्ध होता है, बहुत ही प्रसिद्ध होता है, तो वो आज की राजनीतिक परिस्थितियों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात आंशिक रूप से हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। विज्ञान विषय की एक अलग विशेषता है अवलोकन, क्योंकि विज्ञान विषयों में हम अवलोकन करके समझ सकते हैं और उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इतिहासकार प्राचीन स्रोतों, तथ्यों, अभिलेखों का अवलोकन करके इतिहास निर्माण कर सकता है, अतः इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए अवलोकन का जो बिंदु है उस पर ये पूरी तरह से कसौटी में कसता है। विज्ञान विषय की अगली विशेषता होती है विश्वसनीय दत्त सामग्री, अर्थात विज्ञान सबूतों पर, तथ्यों पर आधारित होता है, तो इतिहास को भी हम तथ्य आधारित ही मानते हैं, क्योंकि तथ्यों पर आधारित ही इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। अगली विशेषता है प्रायोगिकता, कि इतिहास विषय की उपयोगिता क्या है। इतिहास विषय का हम अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें, सामाजिक समस्याओं को देखने की दृष्टि से देखें, तो इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो समाज को और मनुष्य को समझने में कार्य करता है। ये बात हुई कि इतिहास विज्ञान है या नहीं। अब हम देखते हैं कि इतिहास कला है या नहीं। अब हम कला कौन से विषयों को कह सकते हैं, कला होने के लिए कौन सी विशिष्टताएं हमें चाहिए। तो सबसे पहली बात है प्रस्तुतीकरण। कोई भी विषय जो कला की श्रेणी में आता है उसका प्रस्तुतीकरण बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, तो इतिहास भी एक कला की श्रेणी में इसलिए हम रख सकते हैं कि उसका प्रस्तुतीकरण जब किया जाता है तो वो कालानुक्रमिक क्रम में किया जाता है, काल के अनुसार प्रस्तुत होता है, इसलिए हम इतिहास को कला कह सकते हैं। इतिहास विषय कला है क्योंकि इसमें लयबद्धता है। लयबद्धता अर्थात ये प्राचीन काल से, मध्य काल से बढ़ते हुए आधुनिक काल की तरफ बढ़ता है और ये पूरे व्यवस्थित क्रम में बढ़ता है, इसलिए हम इतिहास को कला की श्रेणी में रख सकते हैं। इतिहास एक व्यवस्थित विज्ञान भी है। इतिहास में हम जितनी भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो व्यवस्थित रूप से लिखी जाती हैं, इसलिए इतिहास को हम कला मान सकते हैं। साथ ही इतिहास में संतुलन भी है। इतिहास में संतुलन कैसे है कि जहाँ पे ये बहुत प्राचीन काल की घटनाओं का अध्ययन करता है वहीं ये आधुनिक घटनाओं का भी अध्ययन करता है, अर्थात ये अपने प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक इतिहास का पूरी तरह से अध्ययन करता है, अतः ये एक संतुलित रूप में कला कही जा सकती है। कला होने की अगली विशेषता है लचीलापन। जिस विषय में लचीलापन होता है उसे हम कला मानते हैं। इतिहास में भी लचीलापन पाया जाता है, इतिहास में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे जैसे हमें तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर नए इतिहास का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास एक कला की श्रेणी में आता है। कोई भी विषय कला तब बनती है जब उसमें सजीवता होती है, तो इतिहास विषय सजीव है क्योंकि ये सजीवों का अध्ययन करता है, अर्थात मनुष्य का अध्ययन करता है, और मनुष्य अपनी सजीवता के कारण ही जाना जाता है, और इतिहास विषय में भी हम मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। कला होने की अगली विशेषता है सौंदर्यपूर्णता, कि कोई भी विषय जब तक कला नहीं माना जाता जब तक उसमें सुंदरता नहीं होती, तो इतिहास विषय को भी हम एक सौंदर्यपूर्ण विषय मानते हैं क्योंकि इसमें हम अपने प्राचीन काल की जो धरोहर हैं, प्राचीन हमारा इतिहास है, उसको हम सौंदर्यपूर्णता की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इतिहास को हम कला मान सकते हैं। दोनों तथ्यों का अध्ययन करके कि इतिहास विज्ञान है या कला, अब हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि इतिहास विषय आंशिक रूप से विज्ञान की श्रेणी में भी आता है और आंशिक रूप से कला की श्रेणी में भी आता है, अर्थात हम इतिहास को विज्ञान और कला दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं।
विज्ञान विषय में क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसमें हम कार्य कारण संबंधों की स्थापना कर सकते हैं कि कोई भी कार्य क्यों हुआ उसके पीछे के कारण हम समझ सकते हैं। इतिहास में हम पूर्वानुमान, आंशिक रूप से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, आंशिक रूप से हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए हम इस विषय को विज्ञान की श्रेणी में लाते हैं। वहीं कला की तरह हम इसमें सौंदर्यपूर्णता का मिश्रण होता है, लयबद्धता होती है और साथ ही में सजीवता होती है, इसलिए विज्ञान विषय को हम कला की श्रेणी में भी रख सकते हैं। अब हम इतिहास विषय की प्रकृति का अध्ययन करेंगे कि इतिहास विषय की प्रकृति क्या है। इतिहास अतीत की रोशनी में वर्तमान का अध्ययन है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इतिहास विषय में हम वर्तमान का अध्ययन कर सकते हैं अतीत की रोशनी में। इतिहास मनुष्य का अध्ययन करता है, मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है। इतिहास मानव और उसके समय का मिश्रण है, क्योंकि इतिहास में हम कालों का अध्ययन करते हैं, समय का अध्ययन करते हैं और साथ में मानव का अध्ययन करते हैं। इतिहास घटनाओं का वस्तुनिष्ठ अभिलेख है। इतिहास में जितनी भी घटनाएं हम लिखते हैं उनका कोई ना कोई हमारे पास सबूत और साक्ष्य होता है। इतिहास मानव और उसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का सम्मिश्रण है। इतिहास में बहुपक्षीय विवरण है, अर्थात मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन इतिहास विषय में किया जाता है। इतिहास अतीत की घटनाओं और प्रगतिशील उभरते भविष्य के बीच एक संवाद है। इतिहास वर्णन के साथ विश्लेषण भी करता है। इतिहास में निरंतरता और समन्वय इतिहास की आवश्यकताएं हैं और इतिहास एक व्यापक श्रेणी में आता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि इतिहास की रचना में पर्याप्त सामग्री, वैज्ञानिक ढंग से उसकी जांच, उससे प्राप्त ज्ञान का महत्व समझने के विवेक के साथ ही ऐतिहासिक कल्पना शक्ति का विकास और सजीव चित्रण की क्षमता विद्यार्थियों में बनाई जाती है। स्मरण रखना चाहिए कि इतिहास ना तो साधारण परिभाषा के अनुसार विज्ञान है और ना केवल काल्पनिक दर्शन और साहित्यिक रचना है। इन सब के यथोचित सम्मिश्रण को इतिहास का स्वरूप कहा जाता है। अब हम इतिहास का क्षेत्र पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि इतिहास एक बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में हम सैन्य इतिहास, राजा और रानियों की कहानियाँ और उनके सैन्य घटनाएँ, विभिन्न धर्मों का इतिहास, विभिन्न सामाजिक समस्याएँ, सामाजिक संरचना का इतिहास पढ़ते हैं, साथ ही हम राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं और उस देश या शहर की सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहासों का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इतिहास दर्शन इतिहास चिंतन की एक विधि है। इतिहास का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहता है। इतिहास मनुष्य के सामाजिक संगठित समूहों का, चाहे वे कितने भी प्रगतिशील या पिछड़े हुए हों, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। धन्यवाद।